ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए पहली पारी में 480 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। इसके चलते भारत का ये मुकाबला जीतना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के नजरिए से भारत के लिए इस मुकाबले को जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारतीय टीम को किसी चमत्कारी प्रदर्शन की जरूरत है। भारतीय टीम अगर इस चौथे टेस्ट मैच में नहीं जीत पाती है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में भारत को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के नतीजे पर निर्भर होना पड़ेगा। भारतीय टीम को ये प्रार्थना करनी होगी कि न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ कम से कम एक मैच ड्रॉ या एक मैच जीत ले। ऐसी स्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC का फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचेस की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में प्रदर्शन किया है, उससे भारतीय टीम की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 355 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी होगी, जो कि आसान कतई नहीं है। अगर श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीत लेती है और भारत अहमदाबाद के टेस्ट में जीत नहीं पाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का समीकरण काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। ऐसी स्थिति में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 17 मार्च से वेलिंगटन में होने वाले टेस्ट मैच पर सबकी निगाहें रहेंगी। यदि उस मुकाबले में श्रीलंका को जीत मिलती है तो फिर भारत का WTC फाइनल खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं अगर न्यूजीलैंड उस मुकाबले को जीत जाता है तो फिर WTC फाइनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको टीम इंडिया दिखाई देगी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।